सर आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत वेलकम है हमारे ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर KCET 2023। इसमें और हमारे जो YouTube वीडियोस होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। काफी सारे बच्चों की ठीक है, आपको पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में तुक्का लगाना। बीटा से हो रही है, यहां पे अल्फा से स्टार्टिंग हो रही है, इसके भी स्पोर्ट्स बन रहा है KCET 2023 का, सच बता रहा हूं। फिर आ जाओ आप यार क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 तो सबसे पहले तो यार YouTube के अंदर में वीडियोस एक तो बहुत सारे होते हैं ठीक है, और बच्चे को स्ट्रक्चर्ड वे में। तो देखो यहां पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिए हैं KCET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 के पेपर में से, और यहां पर मैं आपको और कुछ क्वेश्चंस लेकर के दिखाऊंगा। पिछले कुछ एपिसोड से मैं आपके सामने 2019 के क्वेश्चंस लिया हूं, आप यहां पर देख सकते हो ये कुछ एपिसोड जिसके पहले हुए हैं इसमें 2019 के क्वेश्चंस मैंने लिए। अब यहां पर और कुछ 2019 के क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं जिसमें मैं आपको जो है तुक्का ट्रिक्स यहां पर दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से हमारे पास में ऑप्शन एलिमिनेट होता है, किस तरीके से इंटेलिजेंट गेसिंग होता है एंड सो ऑन सो फोर्थ ठीक है। इसके बाद में हम लोग केमिस्ट्री के भी और क्वेश्चंस देखेंगे ठीक है, आप देख सकते हो यहां पर कुछ और भी वीडियोस आपके लिए जो है आने वाली हैं राइट। अगर आपने यार अभी तक KCET के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो आप अभी भी एनरोल कर सकते हो। मान लो आपका मैथ्स का पेपर कंप्लीट हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर बचा है, तो भी आप इसके अंदर में एनरोल करो, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। सिर्फ 5 घंटे का कोर्स है, 5 घंटे के कोर्स में यार आप लोग सारे ट्रिक्स को समझोगे ठीक है, उसके एप्लीकेशन को आप देखोगे ठीक है, 2021-2022 का जो पेपर्स है वो सब आप देखोगे ठीक है, 2021-2022 के पेपर्स को आप देखोगे, और आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे लास्ट मोमेंट में उसको एनालाइज करने के लिए कि जो भी ट्रिक्स आप सीखोगे उसको कैसे एनालाइज कर सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस जो है ना यार वो इस तरीके का हो जाएगा कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में एग्जैक्टली किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। मैं आपको एज अ स्टूडेंट कोर्स के अंदर में एक पेपर भी 2022 का पूरा पेपर सॉल्व करके भी मैंने दिखाया है, जिसको जब आप देखोगे ना आपका दिल बोलेगा हड़प्पा। 180 में से 75-80 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन एकदम जीरो है तो भी, और 180 में से अगर आपकी प्रिपरेशन एवरेज है तो आप बहुत आसानी से बूस्ट करके 120 प्लस लेकर के जा सकते हो अपने स्कोर को ठीक है। ये पॉसिबल हो सकता है अगर आप कोर्स को अच्छे से देख लो, समझ लो और चीजों को जाकर के अप्लाई कर दो, तो बहुत सिंपल है, बस आपका माइंडसेट उस तरीके का होना चाहिए जिसके लिए स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब बात करते हैं इन 4 क्वेश्चंस के बारे में, किस तरीके से हम लोग जो है ऑप्शंस को जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया है कि अपन को क्रॉस कॉम्बिनेशंस को मार्क करना चाहिए, क्रॉस कॉम्बिनेशंस ठीक है, क्रॉस कॉम्बिनेशंस। कभी भी आपको तुक्का लगाना है ना क्रॉस कॉम्बिनेशन में आप तुक्का लगाओ, मतलब कि जैसे मान लो यहां पर आपको वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिखा रहा है और करंट जो है वो कांस्टेंट दिखा रहा है, ये क्रॉस कॉम्बिनेशन है। यहां पे वोल्टेज कांस्टेंट दिखा रहा है, करंट इंक्रीज होता हुआ, ये क्रॉस कॉम्बिनेशन है। बट ऑप्शन सी डी में दोनों ही सेम हो रहा है, दोनों ही सेम, ये क्रॉस कॉम्बिनेशन नहीं है ठीक है। यहां पे वोल्टेज और करंट दोनों की सेम बातें हो रही है ठीक है। जैसे मान लो आपको दिया है ऑप्शन 0.0, 1.1, 1.0, 0.1, तो पहला दोनों क्या है क्रॉस कॉम्बिनेशन नहीं है, लास्ट का दोनों क्रॉस कॉम्बिनेशन है। मान लो आपको ऐसा दिया है प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, तो ये प्लस प्लस और माइनस माइनस को काट दो, प्लस माइनस या माइनस प्लस में से आप तुक्का लगाओ, मतलब एक की वैल्यू कुछ और हो दूसरे की वैल्यू कुछ और हो, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस कॉम्बिनेशंस। क्या आपको यहां पर जो है बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आप क्या करोगे, ए और बी में से तुक्का लगाने का ट्राई करोगे, आपके चांसेस ज्यादा होते हैं इस टाइप के ऑप्शन सही होने के क्रॉस कॉम्बिनेशंस में। नेक्स्ट आप देखो सेकंड क्वेश्चन को, तो आप देखो पावर पूछा है और आपको पता है पावर क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो आप सिर्फ डायमेंशन चेक कर लो ना यार, काम ही आपका खत्म हो गया। यहां पर तो वी नीचे है काट दो ठीक है, यहां पर आपका वी स्क्वायर है ही नहीं काट दो, यहां आपका वी स्क्वायर है और ऊपर आर है नीचे आर स्क्वायर है, मतलब कि वी स्क्वायर बाई आर का डायमेंशन आ रहा है, ये हमारा सही हो जाएगा। और यहां पर क्या है, यहां पे वी स्क्वायर है आर है लेकिन नीचे भी आर का डायमेंशन है क्योंकि रूट आर स्क्वायर है, तो आर से आर कट जाएगा, तो ये डायमेंशनली गलत हो गया। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो हमारा डायमेंशन को सेटिस्फाई कर रहा है, समझ रहे हो ना आप बात को। ये क्या दिया है, ये हमको दिया वी स्क्वायर आर अपॉन आर स्क्वायर है ना, ये डायमेंशन वाइज है, तो आर से एक आर कटेगा, वी स्क्वायर बाय आर हमारा पावर के बराबर जो है वो हमको एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। तो विदाउट इवन रीडिंग द एंटायर क्वेश्चन, विदाउट इवन सॉल्विंग, आप लोग जो है थोड़ा सा डायमेंशन वगैरह को देख करके फील करके भी जो है इन सारे क्वेश्चन में तुक्का मार सकते हो राइट। अच्छा यहां पर मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मैंने क्या बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन में यार मैंने आपको बताया था कि आप एक्सट्रीम ऑप्शन को एलिमिनेट कर लो, सबसे बड़ा वैल्यू 60 काट दो, सबसे छोटा वैल्यू 30
काट दो, बीच वाले वैल्यूज में से आप तुक्का लगाओ, ठीक है। कभी भी आपको चार ऑप्शंस दिए हो, आप एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट कर दिया करो और बीच वाले वैल्यूज में से आप जो है तुक्का यहां पर लगाया करो, चांसेस आपके ज्यादा होते हैं आंसर के सही होने के, राइट। और यहां पर आप देखो, यहां पर भी आप एक्सट्रीम वाला फंडा लगा सकते हो। एक फंडा और यहां पर लग रहा है मल्टीपल सब मल्टीपल का, मल्टीपल सब मल्टीपल का फंडा भी यहां पर जो है लग रहा है। मल्टीपल सब मल्टीपल क्या है, y, x, 2x, z इस टाइप के ऑप्शंस, या फिर y, x, 3x, z इस टाइप के ऑप्शंस, है ना। मतलब एक ही ऑप्शन को डबल या ट्रिपल कर दिया, या फिर 1/2 या 1/3 कर दिया इस टाइप का। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे ना, तो 7.5 को ट्रिपल करके ये ऑप्शन आ रहा है, या फिर इसको 1/3 करके ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसकी जो मल्टीप्लीकेशन है ना, ये 2 times या 3 times तक ही रखना, उससे ज्यादा मत लेके चले जाना। उससे ज्यादा लेके जाओगे तो सारे एक दूसरे के मल्टीपल सब मल्टीपल है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इसको 4 से करोगे ये आएगा, ठीक है ना। तो 2 या 3 तक में ये चीज चलता है, उसके बाद में ऐसे तो फिर कितने ही मल्टीपल सब मल्टीपल हो जाएंगे, राइट। या फिर आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हो। 30 सबसे बड़ा है काट दो, 1.5 सबसे छोटा है काट दो, इन दोनों में से आप तुक्का लगा लो। तो यहाँ पर एक्सट्रीम ऑप्शंस का फंडा भी लग रहा है कहीं ना कहीं, मल्टीपल सब मल्टीपल की भी थोड़ी सी यहाँ पर जो है वाइब आ रही है, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली देखो, ऐसा कोई गारंटी नहीं होता कि आप क्या लगाओगे तो आपका तुक्का कैसे सही हो जाएगा, बट हम इंट्यूशन के बेस पे कुछ सोच करके अगर तुक्का लगाएंगे ना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट आपके प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी तुक्के के सही होने की, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर कोर्स के अंदर में ना 2022 का पूरा पेपर मैंने तुक्का मार के दिखाया, और मेरा जो स्कोर आया था ना कोर्स में, कोर्स वाले बच्चे जानते हैं, 73+ का मेरा स्कोर आया था, जहां पे मैंने क्वेश्चंस भी नहीं पढ़े थे एक भी क्वेश्चन में, ठीक है ना। सिर्फ ऑप्शंस को देख देख के तुक्का मारा था, जो रूल्स मैंने बच्चों को बताए उसी के बेस पे मैंने तुक्का मारा था, राइट। तो अगर आप एक इंट्यूशन के बेस पे रूल्स को फॉलो करके अगर आप तुक्का मारोगे ना, तो आपका जो है तुक्का ज्यादा सही होगा, बाकी बच्चों से काफी ज्यादा आगे निकल जाओगे, राइट। अब मैं आपको बताया तो यार, इसके करेक्ट आंसर्स क्या क्या हैं, इस चार क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर दिए हैं ना, वो हमको दिए हैं बी बी सी ए, ठीक है। पहला का अपन को दिया है क्या, बी ऑप्शन, ठीक है। पहला का अपन को दिया है बी ऑप्शन, ठीक है। दूसरा का अपन को दिया है बी ऑप्शन, ठीक है। फिर अपन को क्या दिया है, फिर अपन को दिया है सी ऑप्शन, और फिर अपन को दिया है ए ऑप्शन, ठीक है ना। बी बी सी ए, ये हमारे पास में इस चारों का आंसर की दिया है। हालांकि मैं आपको बता दूं, आंसर की गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। मैंने सॉल्व करके चेक नहीं किया, और जिस बुक से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ केसीईटी के, उसमें मेरे को थोड़े बहुत आंसर की में गलतियां दिख रही हैं, ठीक है। तो आंसर जो मैंने बताए वो जरूरी नहीं है कि एकदम गारंटी से सही हो, ये वाला तो गारंटी से सही है, बाकी यार आप लोग सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। बट यहाँ पे पर्पस हमारा आंसर जानना नहीं है, यहाँ पे पर्पस हमारा ये है कि तुक्का लगाना कैसे वो आप जान सको, ठीक है। स्टिल आपको बता दिया, आंसर की पे 100% भरोसा मत करना, बी बी सी ए हमारे पास में बुक में आंसर की दिया हुआ था, ठीक है ना। अब आप लोग जाओ यार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का, और इन केस आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो फ्री प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो। ये जो आप वीडियो देखो, ये फ्री प्लेलिस्ट का पार्ट है। फ्री प्लेलिस्ट की भी एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें यूट्यूब के जितने भी फ्री एपिसोड्स हैं वो सारे आप एग्जाम के पहले देख करके जाओ, आपको उससे भी काफी ज्यादा जो है हेल्प मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आप यूट्यूब के फ्री प्लेलिस्ट को देख करके जाओ, उससे भी आप काफी सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को सीखोगे, उससे भी आपका काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, काफी ज्यादा आप एनर्जी के साथ जो है एग्जाम हॉल में जा पाओगे, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है।